फ्रेंड वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जान रहे हैं ये लेक्चर नंबर सेकंड है रेखा और कोण का, ठीक है, लाइन एंड एंगल का। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि हम जो भी इस चैप्टर में कवर करेंगे और आगे के जो लेक्चरों में वो कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर से या फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड रहेगा। तो आइए हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हम समथिंग 14 से 15 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बेसिक से क्वेश्चन होंगे। और बेसिक तो हम हाई चल रहे हैं, अगले लेक्चर में और टफ और अगले लेक्चर में और हाई, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए होंगे, सपोज ये एक कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई एक रेखा हो गई। और इसमें यदि हम मान लें कि यार एक ये दो रेखाएं इस बिंदु से और जा रही है, यहां एंगल बन रहा है ए डिग्री, यहां एंगल बन रहा है बी डिग्री और यहां एंगल बन रहा है सी डिग्री। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जिससे हम कॉन्सेप्ट अच्छे अपने आप बिल्डअप कर पाए, तो ये सीधी रेखा है और आपसे पूछा है कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का योग कितना होगा। तो कल हमने एक रूल पढ़ा था कि यार अगर कोई रेखा हो तो रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, चाहो आप उसको कितने भी भागों में बांट दो। कहने का मतलब ये है कि ये रेखा के ऊपर की ओर कोण बन रहा है, इसका मतलब रेखा के एक ओर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब ए बी और सी तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ और ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है कि एक रेखा दे रखी है और एक कोई तीसरी रेखा, दूसरी रेखा इसे काटते हुए इस प्रकार जा रही है, ठीक है, यहां से। अब अगर मान लो कि ये जो एंगल बन रहा है ये ए डिग्री का बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है सपोज मान लो बी डिग्री का बन रहा है, और आपको यदि दे दे कि यार बी डिग्री या बी रेसो ए इक्वल टू 3:1, तो वेलो आपको निकालनी है बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि आप पहली बार ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, और अभी आपको अगर यदि पहले से आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सीधी रेखा है, ये ए डिग्री का, ये बी डिग्री का, और बी अनुपात ए हमको दिया है कितना, 3:1। तो हम जानते हैं यार कि बी अनुपात ए बराबर से 3:1 दिया, मतलब जब ये वाली वैल्यू 3 होती है तो ये वाली वैल्यू होती है कितनी, 1। तो हम अगर इन दोनों के साथ क्या ले लें, एक्स ले लें, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बी एंगल था वो जाएगा 3x और हमारा एंगल जो ए था वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और हम इतना जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये वाला एंगल है 3x, ये वाला एंगल है एक्स, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 3x और x कितना हो जाएगा, 4x बराबर से 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 45। x की वैल्यू 45 आ जाएगी तो हमको मान किसका चाहिए, b का, और b की वैल्यू यहां हमारे पास कितनी है, 3x। तो 3 का 3 और x का मान कितना आया, 45। तो x का मान 45 आया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो तो कितनी आ जाएगी, 135 डिग्री, ठीक है। या तो इसको अगर आप यूनिट मेथड जानते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक लाइन में आंसर आ रहा होगा तो एक और देख लीजिए कि हम इसे बेसिकली करें कैसे, ठीक है। ये मेथड आप जानते होंगे और हर क्वेश्चन को आप वीडियो पहले पॉज करिए और उसके बाद करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हमने क्वेश्चन यही लिख दिया फिर से, ये हमारे पास था ए डिग्री, ये था बी डिग्री, हमें दे क्या रखा है कि बी अनुपात ए इक्वल टू 3:1। हमसे आंसर पूछा है कि यार बी का मान कितना होगा, हम जानते हैं कि यार ए और बी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो योग कितना आ रहा होगा, ए और बी दोनों को जोड़ दें तो ए प्लस बी का मान आ रहा होगा 180 डिग्री, ठीक है। यहीं पर बी की वैल्यू कितनी है, 3, ए की वैल्यू कितनी, 1। मतलब अगर मैं मान लू यार कि जब बी का मान 3 होता है, ए का मान 1 होता है, मतलब टोटल ये कितने यूनिट बन रहा है, 4 यूनिट। ये टोटल कितने यूनिट बन रहा है, 4 यूनिट। और जब 4 यूनिट का मान अगर 180 डिग्री है, कितना,
180 डिग्री, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान आ जा रहा होगा 45 डिग्री, और एक यूनिट का मान 45, तो जो बी की वैल्यू है, ठीक है, जो बी की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो एक यूनिट का मान अगर 45 तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा 135 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, और ये सारे छोटे क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे हो पाए। सपोज ये दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई ऐसी जा रही है, ठीक है, रेखा इसको L मान लो और इसको M मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना भी मानो तो, बाकी आप जहां से पढ़ोगे सारी चीजें दे रखी होगी वहां। अगर मान लीजिए यार ये 30 डिग्री है, ये x डिग्री है, और ये है आपका 2y डिग्री, दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ये 30 डिग्री दे दिया, ये x और ये 2y, और आपसे यदि पूछ ले कि यार y डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो ये रेखा हुई हमारी कौन सी L, तो ये रेखा हुई उसके एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग होता है कितना 180, तो हम ये बोल सकते हैं कि 30 प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। जब 30 का पक्षांतर कर रहे होंगे आप तो कितना बच रहा होगा यहाँ 150 डिग्री, और यहाँ कितना है 2y, जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो y डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 75 डिग्री, और हमसे पूछी किसकी वैल्यू थी y की, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना अपना, सिर्फ और सिर्फ हम ये सारे क्वेश्चनों से सोचने का एक तरीका सीखेंगे। हम इतना जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने के जिनको हम सिर्फ अभिमुख कोण बोलते हैं, इन दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये एक्स का मान भी कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2y प्लस यहाँ कितना है 30 डिग्री, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री, तो फाइनली जब सॉल्व करोगे कैलकुलेशन तो y की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी 75 डिग्री, हमसे यही पूछा था। आइए और आगे बढ़ते हैं, इससे हमने एक चीज सीखी कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में लेके आए सारे के सारे बेसिक से हैं, और बेसिक टू हाई, ठीक है, कि ज्यादा आपको भी दिक्कत ना हो और चीजें हम सीखते भी रहे, क्या होता है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए कि यार कुछ इतना टफ क्वेश्चन आ गया कि आप पहले क्वेश्चन में डर गए तो आगे क्या करोगे। ये दे रखा है 2x-20 डिग्री, ये दे रखा है 50 डिग्री, और ये दे रखा है x डिग्री, ठीक है, ये सारी कंडीशन दे रखी है और आपसे पूछा है क्या x का मान बताइए, ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। हम इतना जानते हैं कि यार ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, और रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, मतलब इन तीनों का अगर मैं योग कर दूं तो किसके बराबर होगा 180 अंश के बराबर, क्योंकि रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि x प्लस 50 डिग्री प्लस 2x-20 डिग्री इक्वल टू इन तीनों का जो सम है योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, समझ रहे हो, कैलकुलेशन करेंगे 50 में से जब 20 माइनस करोगे तो बचेगा 30, और ये 30 जब उधर जाएगा तो बचेगा कितना 150 डिग्री, यहां हमारे पास x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और 3 से जब काट रहे होंगे तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 50 डिग्री, हमसे पूछा था x का मान, और x का मान कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप क्या करिए, पहले तो वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए कि हम ये खुद से सॉल्व करें, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, और अभी भी कि जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, कि यदि मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा हो इस प्रकार,
कि दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, हम जाते क्या, मैं इसको ओ मानू, इसको ए मानू, इसको बी मानू, हम वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। वो आपको पता है कि ऐसा होता है ना, और आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। फाइनली हमें करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहिए क्विकली, और हमें पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो दो रेखा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, और ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3x - 10 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू दे रखी है 2x + 30 डिग्री। तो यार हम इतना जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाए तो आमने सामने या शीर्षभिमुख कोण आपस में बराबर होते, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, हमने पहला लेक्चर में सीखा है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार 3x - 10 किसके बराबर होगा, 2x + 30 के। तो ये बराबर हो जाएगा 2x + 30 के। जब सॉल्व करोगे तो 2x को इधर ला लो, तो यहां बच जाएगा 2x इधर आएगा, तो माइनस का मतलब यहां बच रहा होगा x बराबर से। जब 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 उधर काय में जाएगा, प्लस में। तो कितना हो जाएगा, 30 और 10 40 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 डिग्री। और यहां से सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा था वो मैंने बताया नहीं आपको, तो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा x। तो हमने यहां से सीखा क्या, आमने सामने के कोण बराबर होते, तो इससे बेसिक से क्वेश्चन ये बन सकते हैं, और हर छोटा पेपर मतलब 10th-12th लेवल में सारी बेसिक चीजें आ जाती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी चीजें नहीं आती, तो आप कम से कम इतना जरूर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन दे रखा है बहुत प्यारा सा, कि अगर मान लो कोई एक रेखा है और एक ये दूसरी रेखा है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये कोण है आपका थीटा और ये वाला एंगल है आपका फाइव, ठीक है, ये वाला एंगल है फाइव, ये है कितना थीटा, चाहो तो इसका नाम दे दो एल, इसका नाम दे दो एम, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें होती है। बाकी आप क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन करेंगे कैसे, एक चीज और दे रखी है कि 5 = 3θ, और आपको यहां मान निकालना है थीटा बराबर से क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, मतलब इंटरसेक्ट करती हुई, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जाएगा फाइव दिया हुआ है, और फाइव बराबर से 3θ ये भी दिया हुआ है, और वैल्यू निकालने के थीटा का मान कितना होगा। यार फाइनली मैं एक चीज पूछू, तो ये एक रेखा हो गई, और रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना जा रहा होगा, 180 डिग्री आ रहा होगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा प्लस फाइव इक्वल टू कितना जाएगा, 180 डिग्री। यहां अगर देखोगे तो फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3θ, तो फाइव की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो फाइव की वैल्यू दे रखी है 3θ, तो फाइव की जगह लिख सकता हूं 3θ, तो थीटा प्लस 3θ बराबर से कितना जाएगा, 180 डिग्री। थीटा और 3θ को जब आप ऐड कर रहे होंगे, जोड़ोगे, तो कितना जाएगा, 4θ बराबर से 150 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। और जब 4 से कैंसिल आउट करोगे तो थीटा का मान कितना जाएगा, 45 डिग्री। और आपसे पूछा क्या था कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि कितना आ रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। कोशिश करिए कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, दोबारा से देखिए, बहुत अच्छी बात रहेगी, और अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कि यार दो रेखा एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। अगर मैं इसको नाम दे दूं L और इसको नाम दे दूं L, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि L समांतर है M के, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और एक तीसरी रेखा है जो कि इसको प्रतिच्छेद करती हुई ये जाती है, इसको मान लेते हैं LM, ये N, ठीक है। और मैं अगर ऐसा लिख दूं यहां कि ये आ जाएगा L, L और M तो समांतर है पर N इन दोनों के समांतर नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है। आगे आपको दे रखा है कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3x + 5
डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 4x डिग्री। और यहां से भी आपको मान निकालना है कि आप x का मान बताइए। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब दो रेखा समांतर हो और एक तीसरी रेखा उसे प्रतिच्छेद करती हुई जाए तो अंदर बनने वाले दोनों कोणों को एक कितना होता है 180 होता है। ठीक है, हमने कल ये पॉइंट पढ़ा था कि जब दो रेखा ऐसी जा रही हो, तीसरी रेखा ऐसे काटती हुई जाए तो इसको अगर मैं थीटा मान लू, इसको मान लू फाई, तो इन दोनों का ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है, दो रेखा जब समांतर हो तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाए तो उनके दोनों अंदर की कोण बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिख सकता है आपको एग्जाम में। तो हम जानते हैं कि यार इन दोनों का योग कितना आएगा 180 डिग्री, और इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री आएगा तो हम जान रहे हैं यार कि 3x प्लस 5 प्लस 4x इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। 5 का जब पक्षांतर कर रहे होंगे तो यहां जाएगा 175 डिग्री, क्योंकि प्लस की वैल्यू माइनस में जाएगी। 3x और 4x जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7x, और 7 से जब कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा शायद 7×14 और 7×35। x का मान आ जाएगा कितना 25 डिग्री। हमसे पूछा था x का मान, और x का मान कितना आ गया 25 डिग्री। ये क्वेश्चन लेने का मेरा उद्देश्य ये रहा कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी रिविजन कर लो, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन लेंगे वहां ये हो सकता है कि आपको सारी चीजें ऐसा लगे यार कि कुछ नया क्या हो रहा है। आपको कोई भी चीज आगे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपको टफ नहीं लगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीजें हमने नहीं पढ़ी, हम यार छोटी छोटी चीजें कवर करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो सेम कंडीशन, क्या दो रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अगर मैंने एरो लगा दिया था, अरे समझ जाओ दोनों समांतर रेखाएं हैं, पर एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हुई इस प्रकार जा रही है, और अगर मैं ऐसा बोल दू क्या ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 3x माइनस 15 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 2x प्लस 15 डिग्री, और यहां से भी आपको निकालना है क्या x का मान बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई समांतर, तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। ये जो एंगल है ये है 3x माइनस 15 डिग्री और ये 2x प्लस 15 डिग्री, आपसे x का मान पूछा है। तो कल हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, तो कंसेप्ट कुछ इस प्रकार था कि यार दो रेखा जब समांतर हो और तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद करती हुई जाए तो इनके ऊपर की ओर बनने वाले कोण, ठीक है, ये दोनों कोण, मतलब ये अगर x डिग्री बन रहा है तो ये भी कितने डिग्री बनेगा x। ठीक है, पहले लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस की गई है कि ये दोनों रेखा, ये रेखा के ऊपर और ये भी रेखा के ऊपर और एक ही साइड बनने वाले दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, ऐसा कल हमने पढ़ा था। तो उसके अनुसार ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रेखा के ऊपर है ये भी रेखा के ऊपर है, तो जब दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे जिनको बोला जाता है संगत कोण, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 3x माइनस 15 इक्वल 2x प्लस 15 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ये 15 उधर जा रहा होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा प्लस का 15, मतलब कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और जब ये 2x इधर आ रहा होगा तो प्लस का 2x आएगा माइनस में, तो यहाँ फाइनली बचेगा x, मतलब x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपसे बन रही होगी, और हर एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है कि आप सारी चीजें समझ जाओगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट के मैंने एक दो क्वेश्चन ले लिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगी समांतर, चाहो तो इस पॉइंट मान लेते हैं इसके, ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां पॉइंट मान लो सी और ये पॉइंट मान लो डी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं यार ये वाला एंगल हमको दे रखा है 110 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि ए डी, ठीक है, यहां पे ए सी
ये एसी समांतर है बीडी के, किसके समांतर हो जाएगी, जो एसी समांतर है बीडी के और दोनों को इस ओ बिंदु पर यहां मिला दिया जाए तो इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, बहुत सारी मेथड होती है, मैं सबसे बेसिक से लेके चलूंगा कि आप जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी उनके ही थ्रू सॉल्व हो। तो यार अगर हम ऐसा कुछ करें कि मैं इसको ऐसा मिटा दूं, चीजें समझना, फिर इसका बेसिक देख लेंगे जिससे आप सेकंड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पॉइंट ए था, सॉरी ओ था, जब दो रेखा समांतर हो तो जिस पॉइंट पर हमको वैल्यू निकालनी हो उसी पॉइंट से एक समांतर रेखा खींच दो, और वो भी किसके समांतर खींचोगे, जिसके साथ दो रेखा जो समांतर है उन्हीं के समांतर एक तीसरी रेखा खींच देना, पर वो किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर आपको एंगल निकालना हो। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि जो तीसरी रेखा अपन ने बनाई है ये तीनों रेखा आपस में क्या हो गई, समांतर। अगर ये तीनों रेखा समांतर है तो हम एक चीज जानते हैं, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, लिखा होगा आपने, अगर इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, तो ये 110 डिग्री का है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों अंदर के कोण हो जाएंगे, मतलब ये वाला कांसेप्ट यहाँ काम कर रहा है कि ये कोण और ये कोण इन दोनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर ये 110 डिग्री का तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग कितना जाएगा 180 डिग्री। वैसे अगर मैं इस रेखा को इधर आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, तो यहां हम देखेंगे कि ये दो रेखा समांतर हो गई तो इनके अंदर बनने वाले कोणों का ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इन दोनों का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन बता दे रहा हूं, एक दूसरी मेथड जिसे आप देखते से आंसर बता दो, पर आपको बेसिक आना चाहिए। तो उसने पूछा था कि यार ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो पूरा होगा 60 प्लस 70, इन दोनों का जब योग करोगे तो जाएगा 6 × 12 = 13, कितना 130 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक और मेथड इसे बता देता हूं मैं, पर कोशिश करें कि आप इस चीजों को समझो। फिर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक काम करो, ये दे रखी है दोनों रेखा एक दूसरे क्या हो जाएगी समांतर, ये पॉइंट मान लो ए, ये मान लो ओ, ये बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब यहां एक चीज समझना कि अगर मान लो यार ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है और ये जेड डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन ही समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जैसे आपकी इच्छा। हमने इसको मान लिया एक्स डिग्री, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया जेड डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं यार एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री इनका सम कितना होगा, इनका योग कितना होगा, तो करना क्या है वो चीज देखिए कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, देखिए इन तीनों का योग निकालना है, मैं ऐसा कुछ कर सकता है, जेड को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, यहां से एक रेखा समांतर खींच दी जाए और जो ये जेड था तो इसको मैं मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी डिग्री, मतलब ये पूरा कितने डिग्री था, जेड डिग्री। तो मैं जेड बराबर से ये बोल सकता हूं ए डिग्री प्लस बी डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरा जो जेड था उसको हमने मान लिया, इसको इधर का मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, जेड के बराबर, जो जेड आपको दिया हुआ था। अब हम ये बोल सकते कि इन दोनों कोणों का ये कितना हो जाएगा, मतलब किसका, एक्स प्लस बी का, मतलब x प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेखा के बीच में कोण बन रहे हैं ये दोनों, तो x प्लस बी डिग्री का मान हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे इन दोनों कोणों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि जब दो रेखा के समांतर हो तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाए तो अंदर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वाई प्लस ए, इसका मान भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों को अगर जोड़े तो x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा और आगे अगर हम सोल्व करें तो 180 और 180 कितना आ जाएगा 360 डिग्री।
अब a प्लस बी बराबर से कितना दिया है, तो a डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर से z दिया है, तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, z डिग्री प्लस यहाँ कितना दे रखा है y डिग्री और यहाँ कितना दे रखा है x डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो पूछा था वो आ कितना रहा है 360 डिग्री। अब चीजें समझिएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्या, वो चीज समझना कि जब भी, ठीक है, एक बार से मिटा के लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार दे रखा था, ये था हमारे पास एक्स डिग्री, ये था वाई डिग्री और ये था जेड डिग्री। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये प्रूफ है आपके सामने, चाहो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो कुछ इस प्रकार था, ठीक है, क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार था, क्या दोनों रेखा ये हो गई क्या समांतर, ये वाला एंगल हमारे पास 110 डिग्री था, ये वाला एंगल हमारे पास कितना था 120 डिग्री, इसको क्या मान लो आप x डिग्री, इसी का मान पूछा था। हम जानते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है तीनों कोणों का कितना होता है 360 अंश होता है, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 110 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस कितना 120 डिग्री। जब ऐसी कंडीशन का डायग्राम आए तो हम जानते हैं क्या, जब दो रेखा समांतर और किसी बिंदु पर मिले तो इन तीनों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो इधर लिखते 360 डिग्री। जब 120 का पक्षांतर करोगे तो बच कितना रहा होगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 230 प्लस एक्स बराबर से 360। इसका जब पक्षांतर करेंगे तो बचेगा कितना, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, छह में से तीन घटाओगे तीन और तीन में से दो घटाओगे तो एक, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 130 डिग्री जो हमारा पहले दिया रहा था। तो इसी बेस पे क्वेश्चन और देख लीजिए, इससे और बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आगे अपन बिल्कुल बताएंगे आपको ये सारी चीजें। तो एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है आपके सामने उसी बेस का कि आपको दे रखा है कि दो रेखा समांतर है, ठीक है, ये दोनों रेखा आपस में क्या हो गई समांतर है, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है कि 120 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री और ये एंगल का मान निकालना है। हम जानते हैं कि यार ये तीनों अगर इस प्रकार की आकृति दो रेखा समांतर और दोनों रेखा के पॉइंट किसी बिंदु पर मिले तो इस बिंदु मतलब ये अंतर वाला कोण इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 360। तो मैं लिख सकता हूँ 120 और 130 अगर हम जोड़े तो 12 × 24 और 25 250 डिग्री प्लस इसको मान लेते हैं अपन x डिग्री और हमको x का ही मान निकालना है तो प्लस x डिग्री और हम जानते हैं ये तीनों का योग आ रहा होगा 360 डिग्री और इन तीनों का योग एक दो और तीन तीनों का योग 360 डिग्री आ रहा होगा। इसका जब पक्षांतर कर रहे होंगे तो x डिग्री का माना जाएगा 0, 1 और 1 कितना डिग्री 110 डिग्री x का माना जाएगा। तो ऐसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं कि अगर यार इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना रहा हूं, मतलब टफ नहीं बोल सकते हैं, हम सारी चीजें बेसिक पे काम कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीजें जरूर आए वो कैसा भी हो। तो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर मान लो कुछ ऐसा दे रखा है आपको, ठीक है, ये दोनों रेखा आपस में हो जाएगी समांतर, ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं कि इसको ए भी लिख दूं यार वो ज्यादा हो जाएगा, इसका मान निकालना है, ये वैल्यू दे रखी है हमको 50 डिग्री और ये वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डिटेल करोगे तो वैसे ही, परंतु अब एक चीज याद रखिए कि दो रेखा जब समांतर हो और इन दोनों पॉइंट से अगर ये रेखा या तो अंदर होकर मिले या तो बाहर होकर, फिर भी इन तीनों कोणों का योग मतलब अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 360 अंश, या तो आप बेसिक से कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको इस कोण का मान चाहिए था, मैंने इसको एक्स डिग्री मान लिया, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का कितना आएगा 360 अंश, तो 50 और 60 जब जोड़ोगे तो 110 डिग्री प्लस इसको मान लिया हमने x डिग्री बराबर से कितना आ जाएगा 360 डिग्री। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो x डिग्री का मान आ जाएगा 0, 5, 250 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतनी चीजें हमने की, क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं इसको मान लू ए, ये मान लू बी, इसको मान लेते हैं सी और ये डी पॉइंट हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ओ,
हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी समांतर है सी डी, ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी क्या हो जाएगी समांतर, और हमें एंगल निकालना है यहाँ पे, कोण निकालना है बी ओ सी का मान, कोण बी ओ सी बराबर से फाइंड आउट करना है। तो करना क्या, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्या करिए कि यार आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये रेखा सीधी हो जाएगी, जब ये रेखा और ये रेखा समांतर थी तो ये रेखा भी आपस में क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी, अगर ये दोनों रेखा क्या हो गई समांतर, तो ये 80 है तो हम जानते हैं दोनों कोणों का कितना होगा 180, अगर ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है, आई होप आप ये चीजें समझ रहे होंगे, ये 80 तो ये कितना जाएगा 100, अगर ये 100 हो जाएगा तो हम इतना जानते हैं कि दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर 100 है तो ये वाला भी कितना होगा 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 110 है तो हम इतना जानते हैं कि रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का ये कितना होता है 180, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और ये चीज कभी हमने नहीं बताई, आगे चल के बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180 अंश होता है, तो ये हो गया 100 और 70 170, तो ये वाला कितना जाएगा 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम करे तो आप आगे पीछे कर लीजिएगा वीडियो, या तो एक बार और देख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप बहुत आसानी से सारी चीजें कर पाओ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, ये दे रखा है, किसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी, और ये है ओ। तो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि ए बी समांतर है सी डी के, ये दोनों रेखाएं आपस में कट जाएगी समांतर, और हमको एंगल निकालना है यहाँ पे बी ओ सी का मान चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये चीज समझ रहे होंगे आप, और यहां हमें दो वैल्यू भी दे रखी है, ये वैल्यू को हम मान सकते हैं 140 डिग्री, और इसको हम मान लेते हैं 70 डिग्री। फिर से उसी प्रकार सॉल्व करना है कि करें क्या, और भी तरीके हैं, बाकी ये बेटर है, इसको अगर हम आगे पढ़ाएं तो ऐसा कुछ हो सकता है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर थी ब्लू वाली, तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी समांतर, क्योंकि इसी का बढ़ाया हुआ भाग ही है, तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा अगर है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो उनके अंतः बनने वाले कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, तो ये अगर 70 है तो ये वाला कितना जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग कितना जाएगा 180 180 अंश। अगर जब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोणों का योग कितना होगा 180, मतलब ये सॉरी आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर, तो ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। वैसे हम जानते हैं कि रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का यह होता है 180 अंश, तो ये 140 तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 डिग्री, इसका मान हमें चाहिए, तो 110 और 40 कितना जाएगा 150, तो बचा वाला कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये बन गया आपस में ट्रेंगल, और ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 40 और 70 150 और 30 जोड़ेंगे तो 180, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 30 अंश, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन अंतिम में आपको दे देता हूं, जो आप सॉल्व करके बताइएगा कि आपको चीजें बन रही है या नहीं, और आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना, परंतु एक क्वेश्चन पहले और देख लो, फिर आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर, ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगी समांतर, चाहो तो नाम ले लो इसके, इसका नाम ए, ये बी, ये सी, इधर मान लो डी, और ये मान लेते हैं ई। तो मैं यहां ये बोलना चाह रहा हूं कि जो सी डी है ये दिया है आपको ए ई के समांतर है, सी डी ए ई के समांतर है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, और ये वाला आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए बी सी बराबर से क्या होगा,
समझ रहे होंगे, ये दोनों रेखा आपस में क्या हो गई, समांतर, और इस बी पॉइंट का मान निकालना है कि बिंदु बी पर कितने डिग्री का कोण बनता है। क्या करेंगे, देखो यार सेम हमें पिछले क्वेश्चन का था, अगर मैं इसको ऐसा आगे बढ़ा लूं तो ये रेखा दोनों क्या हो जाएगी, समांतर, और जब दोनों रेखा, जब ये इधर समांतर थी तो इधर भी हो जाएगी समांतर। दो समांतर के अंदर की ओर बनने वाले कोणों का ये होता है 180, तो ये अगर 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और ये अगर 120 तो हम जानते हैं कि रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है, तो ये 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और ये अगर 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और ये अपने आप में एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 60 और 60 120, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसको आप बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, और पूरी कोशिश करिए कि आपको ये सारी चीजें बने, और एक चीज और कि आप अगर नोट्स बनाते तो बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी, आपको सारी चीजें समझ में आती रहेगी। अभी ये लेक्चर नंबर हमारा सेकंड था, जिसमें पहले में हमने कॉन्सेप्ट देखे, दूसरे में कुछ सामान्य क्वेश्चन, अब तीसरे में थोड़े से और हाई लेवल, और चौथे में हम वो क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब ये बोल सकते हैं कि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी बुक से, उसमें आपको जो चीजें नहीं बनेगी वो आपको चौथे लेक्चर में जरूर मिलेगी। ठीक है, हर एक वो क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं ये बोल सकता हूं कि रेखा L और रेखा M ये दोनों समांतर है, L समांतर है M के, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम X डिग्री। ठीक है, ये O, A, B, ये वाला पॉइंट C, ये वाला पॉइंट D, ये दिया हुआ है। L और M दोनों ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर, और हमको मान किसका निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने आगे जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं उन तक ये बिल्कुल शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक टू हाई पढ़ेंगे, एक एक चीजें आपको बिल्कुल समझाई जाएगी, और कोशिश करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट जो हम बताएं उसे प्रूव भी करें और समझाएं भी, और जितने भी फॉर्मूले आगे जो चीजें आएगी हम एक एक चीजें आपको बेसिक से जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।